स्कूलों की फीस माफी की मांग को लेकर आज सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी ने अपने समर्थकों के साथ प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में जिला मुख्यालय का घेराव करने जा रहे हैं। सपाइयों के जुलूस को पुलिस ने रोक लिया। इस बात को लेकर पुलिस और सपा कार्यकर्ताओं के बीच नोकझोंक भी हुई। सोमदत्त प्लाजा के पास जुलूस जाने से खफा सपाइयों ने जोरदार नारेबाजी कर अपना विरोध दर्ज कराया। पुलिस ने सभी सपाइयों को बस में बैठाकर पुलिस लाइन भेज दिया। सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी के मुताबिक कोरोना काल में हर व्यक्ति आर्थिक रूप से परेशान है। व्यापार चौपट हो गया, बड़ी संख्या में लोगों की नौकरियां चली गई हैं, लेकिन ऑनलाइन पढ़ाई के नाम में उत्पीड़न किया जा रहा है। सपा कार्यकर्ताओं के मुताबिक फीस माफी के लिए कार्यक्रम आगे भी बढ़ेगा। इस प्रदर्शन में व्यापार मंडल सहित अनेक संगठनों ने अपना समर्थन दिया। कहा गया कि आम जनमानस का मुद्दा है, इसलिए सब एक साथ हैं। इससे पूर्व सफाई शिक्षक पार्क में एकत्रित हुए थे, सभा के बाद जुलूस के रूप में निकले थे, लेकिन उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आज हमारा धरना इसलिए है, जो बढ़ी हुई फीस है और उसके साथ ही जो लॉकडाउन के दौरान वैश्विक महामारी COVID-19 जो कि एक वैश्विक महामारी है, उसके तहत सभी रोजी रोजगार बंद हैं और लोगों की सरकारी लोगों की 30-30% आपने जो है सैलरी काटी है, उस वहीं पे आज भी जो बड़े स्कूल हैं वो बच्चों की फीस ले रहे हैं, छोटे स्कूल बच्चों की फीस ले रहे हैं। तो हम लोग का कहना ये है, या तो पूरी की पूरी फीस माफ़ करे सरकार, फीस को वहन करे, आधी फीस सरकार दे आधी फीस स्कूल माफ करे, ये हमारी मांग है। क्योंकि अगर सरकार जो पैकेज दी हो, पैकेज गया कहाँ? इतने कितने सौ करोड़ का पैकेज उसने दिया, लेकिन उस पैकेज का कहीं पे योगदान दिखाई नहीं दे रहा है। तो अगर प्राइवेट स्कूल है जो स्कूल को चला नहीं पा रहे हैं, उनके लिए, क्योंकि उनको भी स्टाफ को फीस देना है, स्कूल की का किराया देना है, तो इसलिए सरकार को चाहिए कि आधी फीस देने जा रहे थे। आज हम लोग ज्ञापन देने जा रहे हैं और हमारा कलेक्टर पे माननीय विधायक जी का कहना था कि हम कलेक्टर पे जा करके ज्ञापन देंगे, लेकिन पुलिस ने हमें यहीं पे रोक रखा है। तो हम अपना शांतिपूर्वक धरना दे रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि हमारी मांगों को पूरा किया जाए जी। और महिला कोरोना महामारी में व्यापार मंदी में जिस तरीके से प्राइवेट स्कूल सत्ता संरक्षित तरीके से गरीब जनता का खून चूस रहे हैं, और हमारी लगातार ये मांग है, तमाम अभिभावक संघ, तमाम हिंदू संगठन, तमाम लोग यहाँ पर आज अमिताभ वाजपेयी के नेतृत्व में आदरणीय अखिलेश यादव जी के आह्वान पर आज फीस माफ़ी के मुद्दे पर हम लोग यहाँ पर आए हैं। और हमारी ये डिमांड है कि या तो फीस माफ़ करो, नहीं तो हाफ करो। जिस तरीके से लाल बंगले में दंपति ने फीस माफ़ी ना होने की वजह से, फीस ना जमा कर पाने की वजह से आत्महत्या कर ली, हम उनका दर्द जानते हैं। ऐसा कोई और परिवार, दुखी परिवार फिर ये घटना ना करे। समाजवादी पार्टी ने आज संवेदनशीलता को देखते हुए यूपी सरकार की संवेदनहीनता के खिलाफ आज जो बिगुल फूका है, ये उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक प्राइवेट स्कूल सत्ता के संरक्षण में पल रहे, फीस माफ नहीं करेंगे जब तक ये समाजवादी पार्टी के लोग सड़कों पर इसी तरीके से अपने धरने को, अपने प्रदर्शन को जारी रखेंगे। आज हम लोग ज्ञापन देने शांतिपूर्वक कलेक्ट्रेट जाना चाहते थे, लेकिन योगी सरकार की पुलिस ने दमनात्मक तरीके से आज पुलिस यहाँ पे बसे लगवाकर हम लोग की गिरफ्तारी करने का काम किया है। हम इसकी भी निंदा करते हैं और ये आह्वान करते हैं कि ना हम चैन से बैठेंगे, ना हम तुमको चैन से बैठने देंगे। हिंदुस्तान जिंदाबाद। माफ करो।